आज बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर के हम में से एक नौजवान जो कुछ ही महीनों पहले यूथ के जिले के वर्किंग सदस्य के हिस्से से अपना काम शुरू किया, आज जब महीनों में वो खुद वॉलेंटरी तौर पर आकर के गुलबर्गा जिले में लेबर डिपार्टमेंट में लेबर सेल में बहुत सारा काम करना है, काम किया जा सकता है, इसको महसूस कर सिराज शाफी साहब ने हमारे सामने अपनी बात को रखी। हमने कामरा सुरन साहब और जिला सदस्य डिस्कस किया और बहुत खुशी हुई इस बात को सुनकर, क्योंकि होता क्या है कि जनरल जो सियासी नजरिया होता है वो इतना होता है कि यूथ बॉडी बड़ी पावरफुल है, यूथ के अंदर पोस्ट की सबसे अहमियत कहाँ मिला ये माना गया, ये जो फिक्र और ये जो एहसास है सिराज शाफी का कि लेबर विंग में और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में हम काम कर सकते हैं और इख्तदार हासिल करना, इख्तदार में आने के बाद यही तो काम है, अलग किया चाहे वो कॉरपोरेशन हो, कॉरपोरेशन बल्दिया के मसाइल को लेकर के आप अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, बल्दिया की जो पॉलिसीज है उस पॉलिसीज के अंदर अपना अपनी बात को रखना है, हक बात को बनवाना है, सही बात को बनवाना है, चाहे वो असम्बली हो, असम्बली में भी वही बात है, असेंबली में थोड़ा सा बड़ा है कि भाई आप कानून बनाते हैं, यू आर लॉ मेकर, यू आर कंसीडर्ड एज अ लॉ मेकर, आपको कानून किस नोयत की होनी चाहिए, कानून किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या वहाँ पर डिस्कशंस हो रहे हैं, क्या डिस्कशंस में क्या खामियां हैं, जब तक कि आप आवाम के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे, जब तक कि आप उस चीज की ताकत को महसूस नहीं करेंगे, आप किसी भी पोस्ट पर रहो आप कोई काम, चाहे आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, आपको अगर मालूम नहीं कि चीफ मिनिस्टर के इख्तियार में क्या बात है, एक जिला पंचायत का मेंबर बहुत ज्यादा काम कर सकता है, एक ग्राम पंचायत का सदर बहुत ज्यादा काम कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्टी का एक दर्शन सिग्नल के एक पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट लेकर के आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि जमहूरियत में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इख्तियार में रहे, आप अपोजिशन में भी रहना आप आवाम तक अपने आवाज को पहुंचा सकते हैं, हुकूमत तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, आवाम के दर्द को जो है हुकूमत तक पहुंचाने का एक जरिया अपोजिशन का जिम्मेदारी भी है और उस जिम्मेदारी को समझ करके उस एहसास को समझ करके सिराज शाफी साहब की और उनकी पूरी टीम, चाहे वो अमरीश साहब हो, सैफन साहब हो, जितने भी जिम्मेदार हैं, मल्लिकार्जुन साहब हो, ये तमाम टीम पहल की है, मैं इतना ही कहूँगा कि हम आपके साथ, आप कभी भी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जीडीएस ऑफिस में आज दोनों ईद का माहौल पैदा हुआ है, क्यों बोले तो डिस्ट्रिक्ट वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट था हमारा सिराज शाफी जी और उनके साथ अभी और तीन लोगों को जो है ना एक पोस्ट दे के जो है ना उनको प्रमोशन दिया गया है। सिराज शाफी यूथ का वर्किंग पर्सन था गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का, अब जो है ना हम डिस्ट्रिक्ट यूथ चुरा के उनको जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेबर सेल विभाग का प्रेसिडेंट बनाया गया है। उनके साथ अमरीश बिद्दुर को जो है ना हम जो है ना उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और जो है ना श्री सैफान को जो है ना जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और आजम को जो है ना
वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अजमतुल्ला खादी और जो है ना मोहम्मद उमर, ये लोगों को जो है ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पेरस बनाया गया है। और क्या है, अब मैं अभी ये लोगों को सब गुजारिश करने का मेरा ये काम है कि तुम खाली जो है ना नॉर्थ एंड साउथ ग्रामीण का नहीं है, अब नौ कॉन्स्टिट्यूएंसी आता गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, वो नौ कॉन्स्टिट्यूएंसी तहत में तुम जो ना काम करना, नौ में जो है ना कम से कम पांच एमएलए हमको जिताना बोल के लेबर सेल से तरफ से आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में काम करना। मैं सिराज शाब्दी जो जनता दल पार्टी से पहले डिस्ट्रिक्ट वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट था, आज स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमेटी और जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब के एक रिकमेंडेशन से जो लेबर डिपार्टमेंट है गुलबर्गा में, उस लेबर डिपार्टमेंट की विंग में हम लोगों को प्रमोट किया गया यूथ से। तो इस लेबर विंग को जो हैंडल करने वाले हैं, इसके अंदर जिसको प्रमोट हुआ और जिसका न्यू अपॉइंटमेंट हुआ, दे आर न्यू फेसेस। और बस एक ही मकसद से हम लोग लेबर विंग में एक्सेप्ट किए लेबर विंग में जाने के लिए, क्योंकि गुलबर्गा में वी हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख लेबर्स कैटेगरी, 4 लाख लेबर है गुलबर्गा में। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट तो बहुत ज़्यादा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मिला तो 28 लाख पॉपुलेशन है, उसके अंदर 60% लेबर कैटेगरीज है। बट फिलहाल सिटी की अगर बात करेंगे तो सिटी में वी हैव 4 लाख लेबर कैटेगरी, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज लेबर सेक्टर्स के हैं लोग। उतने रखते हुए भी आज गुलबर्गा में सिर्फ 96,000 लेबर कार्ड बने हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो ये बहुत कम आंकड़ा है लेबर कार्ड्स का, जो हुकूमत की तरफ से जो फ़ायदा आता है लेबर कार्ड से, उसी यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 7,500 करोड़ रुपये का बजट लेबर डिपार्टमेंट को आया गया, जो हमेशा हर साल आता है, जिसमें से 500-600 करोड़ ही इस्तेमाल किया जाता है लेबर्स को बेनिफिट के शक्ल में, तो ये बहुत कम आंकड़ा है। ये इसलिए है क्योंकि कर्नाटक और डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं वहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट, लेबर विंग्स, जो पॉलिटिकल लेबर विंग्स रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं ले रहे। इसीलिए इसको दिमाग में रखते हुए, क्योंकि हम हमेशा एक ही ऑब्जेक्टिव है हमारा कि लेबर जो गरीब तखवा है वो लोगों को उनका हक दिलाना, उनके इंसाफ के लिए लड़ना, उनको जस्टिस दिलाना और हुकूमत की तरफ से जितने भी फ़ायदे आते हैं वो फ़ायदे उनको दिलाना, यही मकसद को दिमाग में रखते हुए हम लोग पूरी टीम लेबर विंग में हम लोग शमूलियत लिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट देखेगी ये चीज़ के बराबर जनता दल पार्टी लेबर विंग के तरफ से और कमेटी के तरफ से हम लोग बराबर लेबर के लिए हक में लड़ेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे और उनके हक दिलाएंगे। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर जो तालुका से, शाहबाद से, चितापुर से, अफजलपुर से, अलन से, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम तालुका के जो हमारे सपोर्ट करने वाले वॉलेंटियर्स है वो लोग यहाँ पे मौजूद है, हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमेटी का, शामराव शुरन सर का, जो बहुत कोशिश किए इस लेबर विंग को इस पैमाने ये पैमान पे लाने के लिए, और ख़ास तौर पे जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब का, अली इनामदार साहब का, तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यही लोगों की वजह से आज एक लेबर कमेटी रिफॉर्म हुई है इसे यहाँ पर। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गुलबर्गा देखेगी कि जनता दल लेबर डिपार्टमेंट, लेबर विंग से कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एक जलसा रखा गया था, वो सब्जेक्ट क्या था बोले तो हमारे पास जो यहाँ पर लेबर सेल है, लेबर सेल का जो कमेटी को जो है यहाँ पर रीऑर्गेनाइज करके, यहाँ पर वो सदर जो है हमारे सिराज शाब्दी साहब को इस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सदर बनाए हैं और उनकी टीम में भी और सारे पोस्ट दिए हुए हैं। तो आज ये जनता दल सेकुलर ये लेबर सेल को जो आज के हालात के ऊपर देख के, आज जो हालात ख़राब है लेबर तबके के लोगों के और स्लम मेरे में वर्कर्स के और तमाम लोगों के, आज जो हालात देख के जो है हमारे कुमार स्वामी साहब, देवगौड़ा साहब, हमारे स्टेट के पर सदर और हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सदर और नासिर हुसैन उस्ताद साहब, तमाम लोग और पूरे तमाम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स, तमाम लोग मिल के जो है सिराज शाब्दी साहब की उनकी टीम की जो काबिलियत है वो एजुकेटेड हैं, तमाम लोगों के जो मसले हैं यहाँ पर बंडी थैला बंडी है मार्केट के, उसके अंदर क्या है तमाम इंडस्ट्रीज आती हैं, बहुत सारे जो है लेबर तबके में क्या है मालूम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनके जो परेशानियाँ हैं वो देख के जो है इनके अल्हम्दुलिल्लाह सिराज शाब्दी और उनकी टीम को जो पोस्ट दिया है, मेरे को उम्मीद है कि भाई आने वाले दिनों में
तमाम लेबर तबके में जो भी प्रॉब्लम्स है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा उनको जल्द से अच्छा काम करके हम उनका नाम और उनकी टीम का नाम और पार्टी का और कुमार राणा देवगढ़ा का और हमारे लीडर नासिर हुसैन उस्ताद साहब का नाम रोशन करेंगे बोल के आज इस मीडिया के थ्रू आपके सामने बोलना चाहता हूँ।